उत्तराखंड राज्य की स्थापना के आज 24वें साल पूरे हो गए हैं और राज्य आज 25वें यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राज्य भर में स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर देहरादून की पुलिस लाइन में रैतिक परेड आयोजित की गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और इसकी सलामी ली। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को उत्तराखंड रत्न से पुरस्कार किया। इनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे, चिकित्सक महेश कुड़ियाल और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला शामिल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। राज्य में पहाड़ से मैदान तक विकास कार्य किए जा रहे हैं। गांव के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 50 गांवों में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना रिवर्स प्लान के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे राज्य की तरक्की का मंत्र खेती, बागवानी, एरोमेटिक खेती, शहद उत्पादन, होम स्टे, पर्यटन, योग और वेलनेस सेक्टर में समाहित है। इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर हम अपने गांव में रोजगार के साथ समृद्धि ला सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प ही संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। वहीं इस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान हासिल करने वाले लोगों ने खुशी जताई, साथ ही राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी दर्शाई। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मजा। और डेफिनेटली चीजें इम्प्रूव करी। आज आप देखिए कि आपको मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में मिल रहा है, आपको टेहरी में मिल रहा है। जिस सिटी स्कैन के लिए लोगों को पहले मेरठ देहरादून आना पड़ता था, आपको हर जिले में आपको सिटी स्कैन आज मिल रहा है। तो चीज़ें तो डेफिनेटली बड़ी मतलब इम्प्रूव करी है। रोजगार के लिए तो हमने राज्य मांगा था, रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर युवा तो भटकेगा ही, सड़कों पर आ रहा है। मूल निवास भू कानून ऐसे सवाल वो क्यों उठ रहे हैं, इसलिए तो उठ रहे हैं कि उनको लगता है यार हमारा रोजगार तो नहीं छिन जाएगा इससे। आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा विशिष्ट साहसिक प्रदर्शन किया गया। इसमें विशेष रूप से श्वान दल द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों को रोमांचित कर दिया।